तीन दिन के दौरे पर ममता बनर्जी दिल्ली आई तो हैं 2019 के लिए बिखरे विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर, लेकिन उन्होंने पहला निशाना साधा बीजेपी के उन नेताओं पर जो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। राम जेठमलानी के घर ममता ने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से मुलाकात की। ये दोनों नेता मोदी के खिलाफ पिछले कुछ समय से काफी मुखर रहे हैं। ममता ने तीनों को अगले साल 19 जनवरी की रैली में कोलकाता आने का न्योता दिया। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली रैली विपक्ष की एकजुटता का प्रदर्शन होगा। देश का बारे में बातचीत हुआ, कांटी का बारे में, इकोनॉमिक परिस्थिति में बातचीत हुआ, राजनीतिक परिस्थिति में बातचीत हुआ, एनआरसी लेके बातचीत हुआ। आगे लड़ाई कैसे जारी रहेगी सरकार के खिलाफ? जो लड़ते हैं वही जीतते हैं, तो लड़ाई चलेगा, लड़ाई जारी रहेगी। ममता का आज दिल्ली में तीसरा और आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे वो यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। इसके बाद 7:45 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विपक्ष में फिलहाल किसी सर्वमान्य नेता का अभाव है, लेकिन ममता जिस तरह विपक्षी गठबंधन के लिए सक्रिय हुई हैं, उससे उनकी दावेदारी की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। खासकर राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि किसी को भी वो प्रधानमंत्री स्वीकार करने को तैयार हैं, बशर्ते वो बीजेपी या आरएसएस की पृष्ठभूमि का ना हो। कल जब ममता से पूछा गया तो उन्होंने भी साफ कहा कि पीएम पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मोदी सरकार को हटाना उनके लिए अहम है, जिसे सामूहिक नेतृत्व के बल पर हासिल किया जा सकता है। कलेक्टिव लीडरशिप वी बिलीव एंड वी बिलीव वी विल टुगेदर वर्क। प्राइम मिनिस्टर इज नो मैटर, आवर मैटर वी हैव टू टॉपल दिस गवर्नमेंट। देश में इस वक्त जो सियासी तस्वीर है उसमें विपक्ष से ममता सबसे मजबूत नेता है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद वो पश्चिम बंगाल में अपना किला बचाने में कामयाब रही है, जबकि दूसरे तमाम क्षत्रप, चाहे लालू हो, मुलायम हो, मायावती हो या अखिलेश, सब अपने अपने मोर्चे पर पस्त हैं। पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला ने ये कहकर ममता की दावेदारी को मजबूत कर दिया कि वो 2019 में उन्हें दिल्ली में देखना चाहते हैं।